शिवपुरी में नए एसपी के आते ही सबसे पहले शिवपुरी कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सबसे पहले कलेक्ट्रेट परिसर में हुई प्रेस वार्ता के बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया और शहर में अपराध कम हो ऐसी बात कही। साथ ही भारी वाहनों के आवागमन पर भी जल्दी कसी जाएगी लगाम। सर, अब आज आपने ज्वाइन किया है तो शिवपुरी के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? आज ट्रांसफर उपरांत मेरे द्वारा यहाँ पे ज्वाइनिंग की गई है और पिछले 5-6 घंटे में जितना मैं शहर को घुमा हूँ, जो मेरी चर्चा हुई, इंटरेक्शन हुआ है, उस पर मुझे लगा है कि पूरा शहर बहुत ही शांति प्रिय शहर है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई यहाँ पे सबसे इंटरेक्शन करके, मीडिया के साथियों से भी मिला। अभी कलेक्ट्रेट में चुनाव संबंधी बैठक थी तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके जनप्रतिनिधि थे, उनसे भी चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक सबका रवैया लगा और शहर में जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करना रहता है, पुलिसिंग कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नए नए चैलेंजेस आते हैं, कभी साइबर क्राइम ऑफेंस के आते हैं, कभी किसी के आते हैं, तो जो जो चैलेंजेस आएंगे, जितने भी समाज के ग्रुप हैं हमारे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे व्यापारी बंधु हो, एनजीओज हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे चर्चा करके, बैठ के इंटरेक्शन करके, संवाद करके उनका हम समाधान निकालेंगे। सर, जनता जो है जनता से जोड़ना चाहेंगे आप, तो जनता से डायरेक्टली कहना चाहेंगे कि बिल्कुल डरने की पुलिस से कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर आप मेरी अपनी बात आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम जन में जनता जो आम जन है उनमें पुलिस के प्रति विश्वास हो और अपराधियों में खौफ हो, यह भी पुलिस का ध्येय होता है। जो क्राइम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर, जो मतलब समझ जाए सारी चीजें पहले से ही, अब जो है क्राइम नहीं करना है? थोड़ा सा पुलिस का एक संस्कृत में वो रहता है मोटो, सद रक्षण आए खल निगरण आए, कि अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करना और बुरे लोग हैं उनमें भय होना, बस एक लाइन में ये सार है पुलिस। मोनू नामदेव की रिपोर्ट।